कहते हैं कि माँ के आंचल के बाद स्कूल ही वो जगह होती है जहाँ से हमें एक बेहतर और नेक इंसान बनने का अवसर मिलता है। मगर इस दौर में ज्यादातर स्कूलों ने अपने शिक्षा स्तर पर ध्यान देने के बजाय स्कूल को एक व्यवसाय के तौर पर लिया है। लेकिन तिलजला के रेडियंस वर्ल्ड स्कूल की बात ही अलग है। एक ICSE करिकुलम वाला स्कूल है जहाँ पर ज्यादातर मिडिल क्लास और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे पढ़ते हैं। और आज दुर्गा पूजा की छुट्टियों से पहले रेडियंस स्कूल के कंपाउंड में एक एग्जीबिशन कम फन फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 550 से अधिक बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने हिस्सा लिया। इस विशेष एग्जीबिशन में कई स्टॉल्स लगाए गए और कुछ फूड स्टॉल्स यहाँ के स्टूडेंट्स ने लगाए। और इसकी खास बात ये थी कि इस एग्जीबिशन कम फन फेयर से जो भी इनकम होगी उसे चैरिटी के कामों में अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के दरमियान बांटा जाएगा। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल शाहवर अन्नान और अन्य टीचर्स ने कहा कि स्कूल की खास बात यह है कि स्कूल अपने स्टूडेंट्स को एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है और यहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आपको बता दें कि ये स्कूल नर्सरी क्लास से लेकर 10th तक है, जो कि इंग्लिश मीडियम और ICSE सिलेबस के हिसाब से चलता है। मैं ये बताना चाहूँगी कि आज हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है सो दैट मेरे बच्चों को एक्सपोजर मिले। ये बच्चों को टाइम टू टाइम हम लोग इस टाइप के इवेंट्स कराते हैं अक्सर, लेकिन ये इवेंट बहुत ही ख़ास है। मैं आपको मकसद बता देती हूँ ये ख़ास किस लिए है, क्योंकि इसका जो भी फंड हम लोग रेज करेंगे दैट फंड विल बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्फन्स एंड द ओल्ड एज पीपल। सो इसीलिए ये और भी ज़्यादा स्पेशल है। हम लोग हमेशा बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं एंड दिस इज़ द वे हाउ लाइक वी आर गिविंग द ओवरऑल डेवलपमेंट, बिकॉज एक सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होता, उसके बाद भी आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़, इस टाइप के इवेंट्स, बच्चों को स्टेज देना सो दैट हमारे बच्चे जब बाहर कहीं जाएँ तो वो भीड़ में खो नहीं जाए, शाइन करें हमेशा। दैट इज मैं बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 में। ऑलराइट, एंड वी आर फॉलोइंग द ICSE करिकुलम। वी हैव द क्लास फ्रॉम मॉन्टेसरी अप टू क्लास 12 एंड हियर वी फोकस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, वेदर इट इज़ द कॉग्निटिव स्किल, द सोशल स्किल, द एकेडमिक्स, एवरीथिंग कॉग्निटिव। सो वी मोस्टली फोकस ऑन दैट। माशाल्लाह ऑल माई टीचर्स दे आर द ट्रेंड एंड हाईली एडुकेटेड टीचर्स एंड हम लोग मॉन्टेसरी से लेके क्लास 12 तक कंप्लीट इंग्लिश मीडियम एनवायरनमेंट देते हैं। द टाइम व्हेन आई एम टेलिंग दिस वर्ड कंप्लीट इंग्लिश, सो इट मींस सिर्फ बच्चों से इंग्लिश में ही बात की जाती है, सारे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में ही दिए जाते हैं सो दैट हमारे बच्चे कभी भी इंग्लिश में स्ट्रगल नहीं करें। एंड दिस इज़ लाइक आई कैन से द नीड ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एज। मैंने आपको जैसे बताया कि माशाल्लाह मैं अक्सर अपने बच्चों में हमेशा बहुत एंथुसियाज्म देखती हूँ एंड सोचा ये लोग क्यों इधर उधर जाके पूजा पंडाल और इधर उधर, ऑब्वियसली बच्चे जाएंगे कल से तो एनीवे छुट्टी है, लेकिन सोचा एक थोड़ा सा एक एंजॉयमेंट का माहौल यहाँ बनाया जाए, बच्चे यहाँ एंजॉय करें सो दैट वो एक हैप्पी मेमोरीज लेके पूरा एक हॉलीडे स्पेंड करें। सो दैट्स द मोटिवेशन आई वुड से। मैंने आपको जैसा बताया कि ये डोनेशन पर्पस के लिए हमने किया है, चैरिटी के लिए किया है। सो जो भी फंड हम लोग रेज करेंगे हम लोग एंटायर अमाउंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अनफॉर्चुनेट्स भी बहुत होते हैं एंड आई वॉन्ट माई चिल्ड्रेन नो व्हेन आई विल टेक देम टू द ऑर्फनेजेस, टू द ओल्ड एज होम, दे मस्ट नो द रियलिटी कि आप लोग माशाल्लाह कितने फॉर्चुनेट हो और कुछ लोग अनफॉर्चुनेट भी हैं जिनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। तो एक तरह से बच्चों में एक हम लोग मोरल थिंग हम लोग इनकलकेट कर रहे हैं, मोरालिटी हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि आप कैसे दूसरों को हेल्प कर सकोगे। तो ऑब्वियसली ये जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे फिर से ऑर्फन एज जाने वाले हैं, ये जो भी हम लोग फंड रेज करेंगे वो हमारे साथ ऑर्फन एजेस जाएंगे, ओल्ड एज होम जाएंगे और उनको हेल्प करेंगे, खुद ही सर्व करेंगे। ये इवेंट हमारा एक्चुअली में बच्चों लोग को एक्सपोजर देने के लिए है। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा दे आर इनटू एक्टिविटीज़, बट क्या होता है ना, हम पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और एक्टिविटीज़ में नहीं। सो ये सारा आपने जो देख रहे हैं ना, सारा डेकोरेशन एवरीथिंग, ये सिर्फ टीचर का गाइडेंस था, दे ऑल द चिल्ड्रन हैव डन दिस। ये सारा सोच गेम का आइडियाज़, इट इज़ ऑल द चिल्ड्रन हु आर डूइंग दिस।
वो लोग का उन लोग ही का मेहनत है, आप देख सकते हो चारों तरफ सब काउंटर्स में बॉय गर्ल्स बॉयज सब मिलके वो लोग दे आर इन्जॉइंग। हम लोग का मेन मोटिव है कि हम लोग अपने बच्चे को एक्सपोजर दें, उन लोग को आगे बढ़ना सिखाएं, भीड़ में खोना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त दे के आए हैं आप लोग का कवरेज करने के लिए। और ये आज का प्रोग्राम जो है ये एक फ़न फेयर है बच्चे लोग के इन्जॉयमेंट के लिए, थोड़ा बच्चा लोग को एक्सपोजर मिलेगा, इसलिए कि इस एरिया में और इस बच्चे के जो हम लोग जो क्राउड है ऐसा इन लोग को मिलता नहीं है एक्सपोजर, इसलिए हम लोग सोचे कि एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए कि इन लोग जो है इन्जॉय भी करें और थोड़ा एक्सपोजर हो। नया नया गेम्स हम लोग गेम्स के काफ़ी सारे इंस्टॉल है, इंस्टॉल में इन लोग गेम्स खेल रहे हैं और इन लोग बहुत सीख भी रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो आप लोगों ने फंड राइजिंग किया है? जी जी हाँ, इसके बाद जो है फिर और भी हम लोग, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये बहुत अच्छा हुआ है, इसके बाद फिर और भी जो है अनम मैम जो है प्रिंसिपल हम लोग स्कूल की, ये आइडिया भी बहुत देती हैं, और भी इवेंट्स होने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला करेंगे। जी सबसे पहले तो मैं मैम को बोलूँगी कि बहुत बहुत थैंक्स, हम लोग को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, हम लोग के बच्चे इतने एंथुसियास्टिक है ना कि सारा कुछ देखिए अभी तक आप उनकी एनर्जी लेवल को देख सकते हैं उनको, मतलब सिंस मॉर्निंग दे आर वर्किंग एंड सी द एनर्जी लेवल। और उन लोग को सबसे अच्छा बेसिक चीज़ समझ आएगा कि जो अनफॉर्चुनेट है उनको, उनको जब देखेंगे ना कि ये सारा जो अमाउंट है उनके तरफ जाएगा तो दे विल फील कि हमको अंडर प्रिविलेज की भी हेल्प करनी है। तो एक्सपीरियंस ये लाइक ऑल डे वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, तो ये इसीलिए है कि बच्चे लोग ये अदर देन एकेडमिक्स वो इन ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का, उनको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे लाइफ चल रही है। तो सिर्फ उनको किताबी दुनिया से नहीं जुड़े रखना है, उनको सोशल बनाना है। देखिए कितने अच्छे से मिलजुल के तो वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं, यू कैन सी दैट कि द क्राउड इज फुल्ली एनर्जेटिक टिल नाउ, लाइक यू कैन सी एवरी वन सी द ब्लूमिंग फेसेस देयर, ऑल आर लाइक दे डोंट वॉन्ट टू गो होम। कितनों को तो मैं कह रही हूँ बेटा अब कब से आए थक गए हो गए अब जाओ रेस्ट लो, बट दे आर हियर, दे आर हेल्पिंग अस थ्रू आउट। इट्स लाइक रियली आई विल से कि हम लोग का बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है। इंशाल्लाह मैम आगे हम लोग और भी प्लान करेंगे और वी विल बी सक्सेसफुल एंड वी वॉन्ट यू टू अगेन शो द वर्ल्ड वेयर वी आर मूविंग टूवर्ड्स। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल करवाऊंगी। इससे पहले भी हमारा साइंस एग्जिबिशन वगैरह हम लोग हमेशा करवाते हैं, आर्ट एग्जिबिशन साइंस एग्जिबिशन, ये था ओपन सबके लिए, वो रहता हमारे स्कूल के लिए क्योंकि इसका मकसद मेन हमारा था फंड रेजिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कराते आए और आगे भी इंशाल्लाह कराते आएंगे इस टाइप का इवेंट एंड बहुत सारा। अभी स्पोर्ट्स है, अभी हमारा दिसंबर में जो स्पोर्ट्स है उसके आगे फिर बच्चों का पिकनिक है, फिर फाइनल एग्जाम्स हैं एंड फिर अगेन हम लोग एनुअल फंक्शन थोड़ा दिन के बाद फिर एनुअल फंक्शन से फिर से शुरू करेंगे। एक एक और हमने इवेंट कराया था इंटर स्कूल कंपटीशन, उसमें भी आसपास के बहुत सारे स्कूल्स ने लाइक पार्टिसिपेट किया था एंड माशाल्लाह बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला था। मेरा नाम फौजिया बेगम है। जी क्लास माउंटर सरी से अभी क्लास 10 में है। ये स्कूल बहुत अच्छा है, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और सबसे पहला बात पढ़ाई बहुत अच्छा है, जिस वजह से क्लास मॉन्टेसरी से क्लास 10 जो फर्स्ट बैच है ये स्कूल से माध्यमिक देगा वो मेरे बच्चे लोग हैं। फीस वगैरह भी कैपेबिलिटी के हिसाब से है, ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं है जो ये करना पड़ेगा ये देना पड़ेगा, मिडिल क्लास फैमिली है हम लोग तो बहुत कोऑपरेट करके स्कूल चलता है। जी जी बहुत अच्छा है, हम तो शाम 4 बजे से हैं तब तक अभी भी घर जाने का दिल नहीं कर रहा है, इतना अच्छा एंजॉयमेंट हो रहा है बच्चे लोग के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मेरा नाम इनामुल हक है जी, हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है वो 2 क्लास में। यहाँ का माहौल वगैरह काफ़ी अच्छा है और यहाँ के डिसिप्लिन्स टीचर्स जितने भी हैं सारे बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव करते हैं, और ये जी इस लोकलिटी में सबसे अच्छा ये स्कूल है यहाँ पे रेडियंट वर्ल्ड स्कूल, ये काफ़ी है। इस स्कूल से अगर देखा जाए तो मीन्स आपका जैसे जो भी बड़े बड़े स्कूल हैं इस यानी ये टक्कर दे सकते हैं ये स्कूल, और यहाँ के बच्चे जो भी 10 पास करके 11 पास वो बड़े बड़े यहाँ स्कूल में जाते हैं बच्चे लोग काफ़ी। हाँ जी क्या क्या लोगों ने लिया ये बताएं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे गेम्स खेले जिसमें मैंने
गिफ्ट भी था इसमें कि जितने से गिफ्ट मिलेगा तो मुझे गिफ्ट भी मिला। और बहुत सारा फूड कोर्ट भी है, जो खाने के स्टॉल भी है वहाँ पे भी अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं, फूड कप ऑफ है, ब्रो मतलब केक्स वगैरह, पुफिन, हर कुछ अच्छा है यहाँ का। इन लोग का मकसद जो है बहुत नेक है, चैरिटी है, क्या बोले? हाँ ये तो सच सही है कि इन लोग का नेक है अच्छा, और अच्छा हो भी रहा है। और ये यहाँ पे बहुत सारा क्राउड है और बच्चे लोग भी बहुत इन्जॉय किए हैं और हम लोग भी इन्जॉय किए हैं। मेरा नाम रेशमा परवीन है, हमारा बच्चा रेडियंस वर्ल्ड स्कूल में पढ़ता है। ये एक बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ के सारे टीचर अच्छे हैं, यहाँ के एडुकेशन अच्छे और भी इंशाल्लाह अच्छे होने वाले हैं। जी बोलिए बोलिए। इतने सारे बच्चे मेहनत किए हैं, टीचर मेहनत किए हैं, इसका तो क्रेडिट मैम लोग को भी मिलता है और स्टूडेंट को भी मिलता है, अली सर को मिलता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है, कल से हम लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है ये करके। ऑर्फनेज में, ऑर्फनेज के लिए ये सब हम लोग सब कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा गुड फील हो रहा है। यस। इन्होंने मुझे बहुत इन्होंने मुझे हेल्प किया है इनके लिए, फॉर द मेन्यू, फॉर द चाट रेसिपी, ऑल उन्होंने ही हेल्प किया है, ये दोनों मैम ने, टीचर्स ने, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट। वी हैव इंजॉयड वेरी मच टूडेज इवेंट, दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्फेनेज एंड ओल्ड एज होम। आर प्रिंसिपल मैम एंड जेबा मैम हेल्प अस वेरी मच एंड वी हैव वेरी इंजॉयड दिस इवेंट।